हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूं आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री चैनल पर। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज सीटेट या टेट, क्यों जरूरी है ये एग्जाम और कब से शुरू हुई है, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी है जो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सीटेट और टेट में क्या अंतर है। पहले तो सीटेट क्या होती है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और ये क्या होती है, ये हर एक स्टेट का अपना अलग अलग लिया जाता है टेट, ठीक है, स्टेट टेट है ये। क्यों जरूरी है, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आपकी ये, मतलब इसको क्वालिफाई करने के बाद आप दूसरी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है आपका। और कब से शुरू हुआ है, तो ये 2011 से स्टार्ट हुई है, 2011 से स्टार्ट हुई है ये। पहले जब 2011 में स्टार्ट हुई थी तब आपका टाइम कितना, 1.5 घंटे आपको मिलते थे इसको पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेकिन 2012-13 से फिर इसका टाइम बढ़ा दिया है, फिर इसको 2.5 घंटे आपको एक पेपर के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो जब ये स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तब ये इसको 1.5 घंटे मिलते थे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको, और अब 2.5 घंटे मिलते हैं, जो कि चला आ रहा है 2.5 घंटे ही, आपको अभी भी 2.5 घंटे ही इसमें मिलते हैं। तो ये क्यों जरूरी है आपके लिए, जरूरी है क्योंकि आपको अपनी एग्ज़ाम देनी है, उसके लिए एलिजिबल आप हैं या नहीं, ये सब इसमें आपको मतलब एक छठवा आप मान सकते हैं कि मतलब इसमें स्टूडेंट को छाट दिया जाता है। जैसे बीएड तो बहुत सारे लोगों ने की होती है, ठीक है। अब बीएड के बाद आपने सबने कर लिया, अब सबको तो जॉब मिलेंगी नहीं, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने मतलब जो अच्छा कर सकते हैं, अच्छे टीचर बनने के पात्र है या नहीं, तो इसमें आपको क्या है, इससे वो जान लेते हैं और फिर आगे आपको और एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर छट जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा पेपर कितने होते हैं आपके, इसमें पेपर वन और पेपर टू, इसमें मतलब दो लेवल के पेपर आते हैं। पेपर वन आता है फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, और पेपर टू है जो आपका वो होता है सिक्स टू एट्थ के लिए। अभी तक यही हो रहा होता आ रहा है, लेकिन अब जो आपकी एग्ज़ाम होगी इसके बाद, दिसंबर जनवरी के बाद वाली, मैं भी आपका पेपर थ्री भी, पेपर थर्ड भी इसमें ऐड हो जाए, जो नाइन्थ और ट्वेल्थ के लिए, नाइन्थ टू ट्वेल्थ के लिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आपको अब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई मतलब करनी ही है, एक बार तो क्वालिफाई करनी ही पड़ती है। वैलिडिटी, पहले इसकी वैलिडिटी कब तक की थी, वैलिडिटी जान लेते हैं। पहले 7 साल के लिए वैलिड था ये, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, लाइफ टाइम के लिए ये वैलिड हो गया इसका सर्टिफिकेट। मतलब आपने अगर एक बार सीटेट कर ली तो फिर आप मतलब लाइफ टाइम मतलब कभी भी कोई सी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले 7 साल के लिए वैलिड था, तब तक अगर आपकी दूसरी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुई तो फिर से आपको सीटेट क्वालिफाई करनी पड़ती थी, तभी आप दूसरी एग्ज़ाम दे पाते थे, ठीक है। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, देखिएगा। और आपकी एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होने वाली है, और नोटिफिकेशन आपका 15 सितंबर तक तो आ ही जाएगा, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसके लिए आप हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश, पेडागोजी, मैथ, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ईवीएस सभी की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर और अनलिमिटेड टाइम में एक क्लास देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलने वाली है, तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, वहाँ कॉल करके आप ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।